बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध हालत में मौत। रीवा में प्रौढ़ की सड़क के किनारे मिली लाश, कुछ दूरी पर अचेत अवस्था में पड़ी मिली महिला, एसडीएमएस में तोड़ी दम, शिनाख्ती नहीं। रीवा शहर के महिया थाना अंतर्गत सिरमौर चौराहे के समीप बुजुर्ग दंपति की संदिग्ध अवस्था में मौत का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का रोड शो कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऐसे में सोमवार की सुबह 10 बजे रीवा पुलिस सभा स्थल के आसपास संदिग्धों की चेकिंग कर रही थी। इसी बीच सिरमौर चौराहे फ्लाईओवर के पास एक प्रौढ़ की सड़क के किनारे लाश मिलने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो कुछ दूरी पर अचेत अवस्था में एक महिला भी पड़ी मिली, जिसको एम्बुलेंस की मदद से एसडीएमएच भिजवाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने जैसे ही उपचार शुरू किया वैसे ही महिला ने दम तोड़ दिया है। फिलहाल दोनों मृतकों की शनाख्ती नहीं हो पाई है। ऐसे में दोनों की लाश को मर्चुरियम में रखवा दिया गया है। दावा है कि घटनास्थल के पास एक मोबाइल मिला है, जिसके आधार पर शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। मिले जानकारी के मुताबिक 11 जुलाई की सुबह 10 बजे सीएम की सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फ्लाईओवर के नीचे चेकिंग अभियान चला रही थी। तभी सूचना आई कि सिरमौर चौराहा में 55 वर्षीय प्रौढ़ मृत अवस्था में पड़ा है, साथ ही कुछ दूरी पर 53 वर्षीय महिला भी अचेत अवस्था में दिखी है। जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से दोनों को संजय गांधी स्मृति हॉस्पिटल भिजवाया। चिकित्सकों ने दोनों को किया मृत घोषित। एसडीएमएच में प्रौढ़ को चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ मिनटों के अंतराल में महिला की भी सांसें थम गई हैं। पुलिस का कयास है कि दोनों पति व पत्नी हो सकते हैं। अमहिया पुलिस ने दोनों के शव को मर्चुरी में रखवाते हुए मोबाइल से शिनाख्ती के प्रयास कर रही है। फिलहाल पुलिस को पीएम रिपोर्ट का इंतजार है, जिससे मौत के कारणों का सही पता चल सके।